हमारी मौत का दिन, वक्त और तारीख हमें पता चल जाए तो क्या होगा। हालांकि ये नामुमकिन है, फिर भी अगर हम तय मौत के तय दिन और वक्त को जान जाएं, तो शायद हम इंसान बेहतर काम करने या अपनी जिंदगी को नए मायने देने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। पहले तो हमें मौत के मनोविज्ञान को समझना होगा। 1980 के दशक में दुनिया के कई देशों में इस बात की रिसर्च की गई कि मौत का एहसास किस तरह लोगों के बर्ताव पर असर डालता है, इसकी चिंता और परेशानी से हमारे व्यक्तित्व पर कैसा असर पड़ता है। न्यूयॉर्क के सिडोमन कॉलेज की मनोविज्ञान की प्रोफेसर सेल्डन सिलोमन कहती हैं, हम बाकी जीवों की तरह ही सांस लेने वाले, खाने और मलत्याग करने वाले, खुद के बारे में महसूस करने वाले जीव ही तो हैं, जो किसी भी वक्त खत्म हो सकते हैं। सेल्डन सिलोमन कहती हैं कि इंसान टेरर मैनेजमेंट थ्योरी से चलता है। वो अपने आसपास के माहौल, सोच, संस्कृति से प्रभावित होकर मौत के डर का सामना करता है। वो खुद को इस दुनिया के लिए अहम होने का एहसास कराता है। इंसान खुद को समझाता है कि उसकी जिंदगी के भी मायने हैं, वरना मौत का एहसास इंसान को जिंदा ही मार देगा। करीब 1000 तजुर्बे हुए हैं इस बात के कि हमारी सोच पर मौत की सच्चाई कैसा असर डालती है। इसके नतीजे कहते हैं कि जैसे ही हमें मौत की अटल सच्चाई का एहसास होता है, हम डरकर उन बुनियादी मूल्यों का सहारा लेते हैं जिसके बीच हम पले बड़े हैं। लोग खुद को यकीन दिलाने लगते हैं कि वो दुनिया के लिए अहम है। जो हमारी मौत का एहसास दिलाता है, हम उसके प्रति आक्रामक हो जाते हैं। मौत का शब्द अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर 42.8 मिलीसेकंड के लिए भी दिख जाए या अंतिम संस्कार के वक्त मौत पर लंबी चर्चा हो, दोनों ही सूरत में लोगों का बर्ताव इस कड़वी सच्चाई का सामना करने से बदल जाता है। जब हमें मौत का एहसास कराया जाता है, तो हम उन लोगों के करीब होने की कोशिश करते हैं जो दिखने में, खान पान में, रहन सहन में हमारे जैसे हैं, जिसके धार्मिक और सियासी ख्याल हमारे जैसे हैं, जो हमारे इलाके में ही रहते हैं। तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है, मौत का वक्त पता चलने पर समाज ज्यादा नस्लवादी, डरावना, हिंसक, युद्ध की बातें करने वाला, खुद को नुकसान पहुंचाने वाला और पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा बन जाएगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इतना भी डरने की बात नहीं। सोल्डेमन सोलोमन जैसे तमाम रिसर्चर मानते हैं कि मौत का एहसास होने के बाद इंसान और भी समझदार होगा। इसके डर से वो बेहतर करने की कोशिश करेगा। वैज्ञानिक इसके लिए दक्षिण कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं की मिसाल देते हैं। मौत की याद दिलाने पर उनका बर्ताव और भी शांत हो जाता है। जब लोगों से ये पूछा जाता है कि उनकी मौत का परिवार पर कैसा असर होगा, तो भी उनकी सोच बदल जाती है। तब वो और भी परोपकारी सोच वाले हो जाते हैं, खून देने के लिए जल्द तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे तो जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अब इन तजुर्बों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मौत की तारीख पता होने की सूरत में शायद इंसान और समझदार हो जाए, ज्यादा जिम्मेदारी भरी जिंदगी जीने की तमन्ना करने लगे। ऑस्ट्रिया की सल्ज़बर्ग यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक ईवा योनस कहती है कि अगर हम लोगों को ये सच्चाई स्वीकार कराने के लिए प्रेरित करें कि मौत तो जिंदगी का ही हिस्सा है, तो हमारे रोजमर्रा का बर्ताव काफी बदल जाएगा, चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। जब ये एहसास होगा कि हर इंसान एक ही नाव पर सवार है, तो मरने मारने और नुकसान पहुंचाने को लेकर भी ख्याल बदल जाएंगे। लेकिन कैटली डाउटी कहती हैं कि इंसानी सभ्यता मौत के विचार के इर्द गिर्द विकसित हुई है। ऐसे में अगर सबको मौत का दिन और वक्त पता चल जाए, तो हमारी सभ्यता की बुनियाद हिल जाएगी। इसलिए कुछ चीजें हमें ना ही पता चले तो ही ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये रोमांचक वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।